अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं मग़रिबी एशिया में कायम एक मुल्क इसराइल की तरफ। इसराइल जो कि बहरा रूम के जनूब मगरिब साहिल पर मौजूद है, जैसे कई ममालिक तारीख में बहुत पुराने गिने जाते हैं, वैसे ही इसराइल भी है जो हज़ारों साल पुरानी सकाफत पेश करता है। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने इसे फ़तह कर लिया था। इससे पहले यहाँ मसीही हुक्मरानों का कब्ज़ा था। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फ़तह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। 1260 में ये ज़मीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बनी, जबकि 1516 में ये तुर्क उस्मानिया के कब्ज़े में चली गई। वर्ल्ड वार वन के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया। बरतानिया ने 1930 को इस इलाके को तकसीम कर दिया। फिर दुनिया ने वो वक्त देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी ख़त्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। फिर यूँ हुआ कि बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो उस हाले वक्त से बच निकले थे, सब ने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत बुलंद कर दी। तमाम ममालिक के बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ का रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और यहूदियों को इस मुल्क में जगह देना बरतानिया पर दूसरे ममालिक और यहूदियों का दबाव था। 14 मई 1948 को बरतानिया इस मुल्क को पूरी तरह छोड़कर निकल गया। लेकिन बरतानिया के जाने से पहले इस मुल्क में एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हज़ारों फ़लस्तीनियों को निगल गई। हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का यहाँ कत्लेआम किया गया। फिर यहाँ बसने वाले फ़लस्तीनी इस मुल्क को छोड़कर निकल गए। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नियत से आए थे कि यहाँ सुकून से रह सकेंगे, लेकिन शुरू शुरू में सब उलट हो गया। यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तालीम में सबकत रखते थे, सबको अरब के छोड़े हुए घर और कारोबार थमा दिए गए। जबकि गरीब ममालिक और अफ्रीका से आने वाले यहूदियों को महाजिर कैंप में जगह दी गई। 1977 में अनवर असदार जो कि मिस्री सदर थे, सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया। इससे पहले किसी अरब ममालिक ने इसराइल के वजूद को नहीं माना था, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इसराइल की फंडिंग की वजह से आज कई मुसलमान ममालिक इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो इसराइल के वजूद को मानता ही नहीं है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह साफ साफ लिख रखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के हर ममालिक के लिए कारामद है। इस मुल्क का पूरा नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क का कुल रकबा 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है और अपने रकबे के लिहाज से ये पूरी दुनिया में 194वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 91,85,135 अफराद है और अपनी आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 98वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। एक वक्त था कि इस मुल्क में मुसलमान बसा करते थे, लेकिन आज यहाँ मुसलमानों की तादाद टोटल आबादी का 17% है,
2% क्रिश्चियन और 2% रोज़ भी हैं, जबकि बाकी 79% आबादी मुख्तलिफ नस्लों के यहूदियों की है। इसराइली करेंसी को न्यू शेकल कहा जाता है। एक इसराइली शेकल के बदले पाकिस्तानी 77.05 रुपये आ जाते हैं, जबकि एक शेकल के बदले इंडियन 22.21 रुपये आ जाते हैं। जेरूशलम शहर, जिसके एक हिस्से पर इसराइल का और दूसरे हिस्से पर फ़लस्तीन का कब्ज़ा है, इसराइल ने कुछ अर्सा पहले जेरूशलम शहर को अपना कैपिटल होने का दर्जा दिया है। जेरूशलम तारीख़ का वो कदीम शहर है जिसे दो बार सफ़ाए हस्ती से मिटाया जा चुका है। यहाँ टोटल 52 बार हमले किए गए हैं। दुनिया में कमर्शियल फ़्लाइट को सबसे ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने का रिकॉर्ड भी इसराइल नेशनल एयरलाइन के पास है, जिसने एक दफ़ा 1,088 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम है। और इसराइल ही दुनिया का वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रखता है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एयरफोर्स रखने वाला मुल्क भी इसराइल ही है। टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट इसराइल के शहर टेल अवीव में है। पूरी दुनिया में इसराइल ही वो मुल्क है जहां सब्ज़ी और मिठाई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। मोटरोला कंपनीज के जितने भी सेल फोन्स हैं सब के सब इसराइल में ही बनाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक्स इसराइल में बनती हैं और ट्रांसलेट की जाती है। शतरंज इस मुल्क में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है, जबकि फुटबॉल को इस मुल्क में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। दोस्तों, ये थी इसराइल पर बारे में बनी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.